हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें आईपीओ की और आज देखेंगे 21 अक्टूबर को एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और क्या इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आया हुआ है। बात करेंगे राज गोर कोस्टर आईपीओ और साथ साथ में देखेंगे इसके अंदर क्या सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और इसके अंदर आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। और देखेंगे ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड आईपीओ, ज़बरदस्त ये आईपीओ स्टार्ट होने वाला है इसी वीक से, इसके अंदर भी क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। और साथ साथ में दो आईपीओ ऑन डोर कॉन्सेप्ट और आईआरएम एनर्जी आईपीओ के अंदर क्या सब्सक्रिप्शन चल रहा है और इसके अंदर क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। ये सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहा है, चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। आईआरएम एनर्जी लिमिटेड आईपीओ के लाइव स्टेटस के बारे में फिलहाल देखा जाए, आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया, आज इसके अंदर क्या सब्सक्रिप्शन आया वो देखेंगे और क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उसको डिस्कस करेंगे। बात करेंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल की, क्यों आई बी करीब करीब 44-45 टाइम तक का फुली वर्क सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था और अमाउंट भी करीब करीब 4,781 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट भी लग चुका है क्यू आई बी इसका। और बात करेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का, तो करीब करीब 48 टाइम तक फुली वर्क सब्सक्रिप्शन हुआ और अमाउंट 3,876 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट भी आता देखने को मिला। और जो अबाउ 10 लाख थे, जो बिलो 10 लाख थे, वो भी सब्सक्रिप्शन लिए 52 टाइम और 40 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। और बात करेंगे रिटेल की, हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर थे, रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत कम रुझान दिखाया, करीब करीब 9 टाइम ये आईपीओ फुली और सब्सक्रिप्शन हुआ, ये कह सकते हैं 9 में से किसी एक को ही मिलेगा और अमाउंट भी 1,737 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट भी देखने को मिला। रिटेल इन्वेस्टर आजकल मेन बोर्ड में कम और एसएमई आईपीओ में ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और फिलहाल इसके अंदर एक कोटा और भी रखा गया था एम्प्लॉयज़ का। एम्प्लॉयज़ का देखा जाए अगर 2 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और अमाउंट भी 22 करोड़ तक का अमाउंट भी लग चुका है। ओवरऑल अगर टोटल सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ के अंदर देखा जाए तो 27 टाइम ये आईपीओ फुली ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ और अमाउंट भी करीब 10,416 करोड़ तक का अमाउंट भी आता वो देखने को मिला। एक छोटा सी आईपीओ था 500-600 करोड़ के, इस आईपीओ के अंदर 10,416 करोड़ तक का अमाउंट भी आता वो देखने को मिल रहा है। चलो इस आईपीओ के अंदर आज के डेट में क्या गिरे मार्केट प्रीमियम चले वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँ चैनल को एक लाइक भी करें। आईआरएम एनर्जी लिमिटेड आईपीओ की डे बाय डे गिरे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो आज के डेट में जो गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड करा है वो देख लेते हैं। आज 21 अक्टूबर 2023 आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया 505 रुपये आया हुआ था हाईएस्ट प्राइस बैंड पे और आज के डेट में 555 में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। करीब करीब 9-10% तक की इसके अंदर तेज़ी आज भी बनी हुई है। अक्सर वीडियो में मैं बताता हूँ, अगर कोई भी आईपीओ 10-20% पर लिस्ट होता है उसको भी अच्छी लिस्टिंग मानी जाती है, उम्मीद की जा रही है इसके अंदर भी 10-20% पे प्रीमियम पे लिस्ट होने की उम्मीद है। जैसे भी रुझान रहा डे बाई डे वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। राजगोर कोस्टर एंड डेरिवेटिव्स लिमिटेड आईपीओ के लाइव स्टेटस के बारे में फिलहाल देखा जाए, ये भी आईपीओ आया और क्लोज हो गया। आज के डेट में इसके अंदर क्या गिरे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, लाइव स्टेटस क्या है वो देख लेंगे। बात करेंगे पहले सब्सक्रिप्शन की, क्यों आई बी कभी कोटा रखा गया था इस एसएमई आईपीओ के अंदर 35-36 टाइम तक ये आईपीओ फुली ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ और 305-306 करोड़ तक का अमाउंट भी आता हुआ देखने को मिला था। बात करेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, करीब करीब 260 टाइम ये आईपीओ फुली ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, यानी कह सकते हैं 260 में से किसी एक को ही सब्सक्रिप्शन मिलेगा और अमाउंट भी सबसे ज़्यादा नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का करीब करीब 1,770 करोड़ तक का, 1,770 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट देखने को मिला। ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन चला और रिटेल इन्वेस्टर भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करे, 80-81 टाइम तक का इसके अंदर फुली ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। ये कह सकते हैं 81 में से किसी एक को ही सब्सक्रिप्शन मिलेगा और अमाउंट भी 1,267 करोड़ तक का अमाउंट भी देखने को मिला। ओवरऑल अगर आईपीओ देखा जाए तो 160 टाइम ये आईपीओ फुली ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ और अमाउंट 3,344 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट भी देखने को मिला था। ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन चला इस आईपीओ के अंदर। और चलो इस आईपीओ का आज के डेट में क्या गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को एक लाइक भी करते हैं। राजगोर कोस्टर एंड डेरिवेटिव्स लिमिटेड आईपीओ की डे बाई डे गिरे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो आज के डेट में जो गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। आज 21 अक्टूबर 2023 आईपीओ की प्राइस जो थी 50 रुपये पे आईपीओ आया हुआ था और आज के डेट में 55 रुपये पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन ज़बरदस्त इसके अंदर चला, लेकिन मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली आज कई दिन से, जिसका असर सभी गिरे मार्केट प्रीमियम पे देखने को मिला। स्टार्ट में देखा जाए तो ये आईपीओ करीब करीब जब स्टार्ट हुआ तो 12% पे स्टार्ट हुआ था और हाईएस्ट करीब करीब इसने अपना 24% तक का इसने अपना हाईएस्ट लगा लिया था, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो 10% के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल उम्मीद की जा रही है इस आईपीओ के अंदर भी अच्छा लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। जैसा भी रुझान रहा डे बाय डे वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलो। ऑन डोर कॉन्सेप्ट लिमिटेड आईपीओ के बारे में फिलहाल देखा जाए तो ये आईपीओ मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 23 अक्टूबर से इसी वीक से स्टार्ट हो जाएगा और 27 अक्टूबर को ये आईपीओ फ्राइडे के दिन क्लोज भी हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर रखी गई है। आईपीओ की जो प्राइस है थोड़ा 208 रुपया पर शेयर
पी आईपीओ आ रहा है और साथ साथ में एक लॉट के अंदर 600 शेयर्स रखे गए हैं। टोटल इशू साइज देखा जाए तो 31 करोड़ का ये आईपीओ और पूरा ही पूरा हमको फ्रेश इशू देखने को मिलेगा 31 करोड़ के इस आईपीओ के अंदर। बात करेंगे इसकी लिस्टिंग की, तो हमको ये एनएससी एसएमई पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि ये भी एक एसएमई आईपीओ जिसके न सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है। और साथ में बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में, तो फिलहाल देखा जाए तो हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है रिटेल के लिए 50% रखा गया है और अदर्स के लिए भी इसके अंदर 50% रखा गया है। चलो आईपीओ की और भी क्या अपडेट है, ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को एक लाइक भी करते हैं। डोर कॉन्सेप्ट लिमिटेड आईपीओ के डे बाय डे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो आज के डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहे हैं वो देखेंगे। आज है सैटरडे 21 अक्टूबर 2023 और आईपीओ का जो प्राइस रखा गया है मंडे से स्टार्ट हो रहा है 208 रुपये का ये आईपीओ है और आज के डेट में 238 रुपये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में करीब करीब 14 से 15% तक की इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली। ज़बरदस्त ये आईपीओ होने वाला है और देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 रुपये चढ़ चुका है। उम्मीद की जा रही है जब मंडे को स्टार्ट होगा तो ये आईपीओ के अंदर और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। जैसा भी रुझान रहा डे बाई डे वीडियो के माध्यम से बताते रहूँगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। अपकमिंग आईपीओ के बारे में, मेन बोर्ड ये आईपीओ है, नाम है ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड आईपीओ। इसकी डिटेल देखते हैं तो ये आईपीओ 25 अक्टूबर से वेडनेसडे को स्टार्ट होगा और 27 अक्टूबर को फ्राइडे को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 3 दिन चलने वाला ये आईपीओ मेन बोर्ड ये आईपीओ है। फेस वैल्यू 2 रुपया पर शेयर रखा गया है और आईपीओ की प्राइस जो है यानी कंपनी अपना आईपीओ को जो प्राइस बैंड रखी है 329 रुपये से 346 रुपीज़ पर शेयर पर रखा गया है। अगर आईपीओ ले रहे हैं तो इसके अंदर जो हाइएस्ट प्राइस बैंड है 346 रुपीज़, इसके ऊपर ही सब्सक्रिप्शन है जिसपे ज़्यादा चांसेस रहेगा आईपीओ मिलने का। एक लॉट के अंदर 43 शेयर्स रखा गया है और टोटल इशू साइज देखा जाए तो करीब करीब 840 करोड़ का ये आईपीओ है और पूरा ही पूरा ये ऑफर फॉर सेल देखने को मिलेगा 840 करोड़ के इस आईपीओ में। यानी कुछ प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच के निकल रहे हैं या प्रमोटर अपनी होल्डिंग इसमें निकाल रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो लिस्टिंग इसके हमको बीएससी एनएससी दोनों पे देखने को मिलेगी। मेन बोर्ड ये आईपीओ है जिसके अंदर जो रिजर्वेशन रखा गया यानी कोटा रखा गया है, क्यूआईबी इसका 50% है, हम जैसे आप जैसे रिटेल का 35% है और एचएनआई इसका इसके अंदर 15% रखा गया है। चलो आईपीओ की और भी क्या अपडेट है, ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को एक लाइक भी करते चलो। ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड आईपीओ के डे बाई डे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो फिलहाल देखा जाए आज सैटरडे मंडे का दिन मार्केट बंद है लेकिन आज 21 अक्टूबर को ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसके अंदर करीब करीब 24-25% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। 346 रुपये का ये आईपीओ और आज के डेट में करीब करीब 431 रुपये पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। नहीं कह सकते हैं करीब करीब 85 रुपीज़ का आज के डेट में प्रॉफिट दे रही है आईपीओ। उम्मीद की जा रही है आईपीओ के अंदर अच्छा पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। जब ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका ओपन हुआ था 19 तारीख को तो करीब करीब 27-28% तक का इससे अपना हाई लगा चुका था। उम्मीद की जा रही है ये आईपीओ स्टार्ट होगा इसी वीक से तो इसके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम चढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। जैसा भी रुझान रहा डे बाई डे वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलो।